शाही आशीर्वाद जा रहे थे भाई का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, एडमिटेड है। हाँ हाँ, उसको देखने जा रहा है। फिर अभी आपको क्या रोक दिया है यहाँ पर? हाँ, बोला कि नहीं जा सकते। ठीक है, नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भेंदर। यह है मेरा भेंदर शहर का बड़ा हॉस्पिटल वोकॉर्ड हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। आज 17 तारीख है, बकरीद है, मुसलमान समाज यहां पर ईद की खुशियां मना रहा है, और ऐसे में पुलिस को मेल जाता है कि इस वोकॉर्ड हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मिलने के बाद में मेरा भेंदर वसई विरार पुलिस तुरंत हरकत में आई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच CIU यूनिट मेरा भेंदर वसई विरार की आला अधिकारियों की पुलिस की टीम BDDS यानी बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर आई है, जो इस वक्त वोकॉर्ड हॉस्पिटल में गई है। जैसे ही ये इस मेल की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया है, किसी भी गाड़ी की आवाजाही को यहाँ पर बैन कर दिया है। आप अगर देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीर में दिखाऊँ तो ये रसाज का वो रास्ता है जो एक स्टेशन के तरफ जाता है, जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। और उसी के साथ में जहाँ पर जो नया नगर पुलिस स्टेशन जो यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है, उस नया नगर पुलिस स्टेशन के जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। अगर इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये नया नगर का वो इलाका है जहाँ पर हैदरी चौक की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर भी पुलिस की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। खास तौर से इस वोकॉर्ड हॉस्पिटल में आने जाने वाले जो मरीज है या उनके जो परिजन हैं, उन परिजनों को भी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी पूरी तरह से चेक कर ही आगे जाने दिया जा रहा है। जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, उस समय इस अस्पताल में BDDS की टीम गई है, यहाँ पर जो कुत्ता जो बॉम्ब को ढूंढ निकालता है उसको भी ले जाया गया है, पूरी टीम अंदर गई है और यहाँ पर छानमारी कर रही है कि अंदर क्या वाकई में ये बम को उड़ाने की जो धमकी थी वो सच में दी गई है या किसी ने शरारत की है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई समेत यहाँ का एक जो हॉस्पिटल है वोकॉर्ड हॉस्पिटल से कुल 7 अस्पतालों को यहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर नाकाबंदी कर रखी है पूरी तरह से, लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, गाड़ियाँ यहाँ पर आ जा नहीं पा रही है। जो मरीज़ है या जो मरीज़ के जो परिजन है उन लोगों को ही यहाँ पर आने जाने दिया जा रहा है। जो यहाँ के जो सिविलियन है उन सिविलियन को भी पूरी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में ही उन्हें छोड़ा जा रहा है कि अगर वो अस्पताल के आसपास में रहते हैं तो उन लोगों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में उन्हें छोड़ा जा रहा है। उनकी गाड़ियों को भी अपने इलाके में या अपनी इमारत में जाने से पुलिस मना कर रही है, सुरक्षा के हेतु ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, इस वक्त करीब 12:30 बज रहे हैं, सोमवार का दिन है और मुस्लिम समाज यहाँ पर बकरीद की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन इस अफवाह कहे या फिर ये जो धमकी वाला मेल कहे, उस मेल के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं इस त्यौहार को भी एक नज़र लग रही है, ऐसा यहाँ पर साफ प्रतीत हो रहा है। इस त्यौहार को भी लोग मनाने में डर रहे कि जिस तरह से जो यहाँ पर पुलिस ने कड़ा इंतज़ाम किया है, उस इंतज़ाम के चलते कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए या कोई बहुत बड़ी यहाँ पर घटना ना घट जाए, ये भी डर का एक माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तरह से मेरा भेंदर शहर में इस बकरीद के त्यौहार को भी नज़र लग गई है, यहाँ पर पुलिस ने अपना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से जो माहौल बन गया है उसके चलते इस त्यौहार में भी कहीं ना कहीं रुकावट या इस त्यौहार का मज़ा भी यहाँ पर किरकिरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिशे के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भेंदर, धन्यवाद।